स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से एनटीएस की वेबसाइट पर जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है वो फाइंड कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उस एडमिट कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस टैब के अंदर आ जाएंगे और इसमें देख सकते हैं कि पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, जो कि एंट्री टेस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल सेक्टर्स के लिए है, और ये है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब ये इस टैब पर जब आप आएंगे तो इसमें जो है आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को सबसे पहले फाइंड करना है। तो आप यहां पर जो है इस टैब के अंदर अपना जो है वो एनआईसी नंबर लिखेंगे, और याद रखिएगा इस तरीके से लिखेंगे कि इसमें डैश जो है वो भी बीच में आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहां पर आपने पासवर्ड एंटर करना है, और याद रखिएगा पासवर्ड का मतलब यहां पर यह नहीं है जो आपकी एनटीएस की आईडी का पासवर्ड था वो आपने यहां यूज नहीं करना, बल्कि आपने अपने मोबाइल के लास्ट के 7 डिजिट्स जो है मोबाइल के वो यहां पर लिखने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसका जो कोड होता है आप जानते हैं कि वो 4 डिजिट्स का होता है, जैसे कि 0301 ये कोड है। इस कोड को छोड़कर बाकी के जो रिमेनिंग 7 डिजिट्स हैं वो आपने यहां पर इंटर करने। तो जैसे कि मैं यहां इंटर करता हूं अभी, और इंटर करने के बाद जब आप यहां पे इंटर कर देंगे और आप यहां सर्च के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा कि वो आपको यहां पर आपका एनटीएस का एडमिट कार्ड शो कर देगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास रोल नंबर स्लिप के साथ, मतलब ये जो रोल नंबर स्लिप है इसके साथ साथ आपके पास एक ओरिजिनल एनआईसी होना चाहिए। अगर आपका एनआईसी नहीं बना हुआ है तो फिर आप अपने साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जाएं जिस डॉक्यूमेंट में आपकी इमेज जो है वो जाहिर हो और उसके अंदर जो है आपका पूरा नाम मेंशन हो। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपके पास आपका एनआईसी नहीं है या अब तक नहीं बना है तो आप अपनी इस रोल नंबर, ये जो रोल नंबर स्लिप है, इसका कलर प्रिंटआउट निकलवाइएगा, और प्रिंटआउट निकालने के साथ इसके साथ अपनी ओरिजिनल डोमिसाइल लेकर जाइएगा जिस डोमिसाइल के अंदर आपकी ओरिजिनल जो है अभी की पासपोर्ट साइज रीसेंट पिक्चर मौजूद हो। ठीक है, इसके साथ आपने जो है वो क्लिपबोर्ड लेकर जाना है, सिंपल क्लिपबोर्ड लेकर जाना है, और बॉल पॉइंट पेन लेकर जानी है ब्लैक एंड ब्लू। याद रखिएगा बॉल पेन लेकर जानी है, ना कि पॉइंटर या ना ही कोई चीज़। ठीक है, जस्ट ब्लू एंड ब्लैक जो है वो बॉल पेन लेकर जानी है। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स और इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आपको टेस्ट सेंटर के अंदर अलाउ नहीं होगी। ठीक है, और ना ही ये फैसिलिटी होगी कि आप वहाँ मोबाइल लेकर जाएं और वहाँ पर कोई फैसिलिटी आपको मौजूद हो। इसके साथ साथ कोई भी गैजेट लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है आप डिजिटल जो है क्या कह सकते हैं वॉच भी नहीं लेकर जा सकते। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप प्रिंट का ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आपके पास प्रिंट आ जाएगा और उसे आप जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। लेकिन एक इशू आता है, जैसे कि आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये आपके पास बिल्कुल जो है वो शो हो रहा है, जैसे कि आपके पास इस तरीके से शो होगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इस तरीके से शो होगा कि एक जो है ना आपका पार्ट यहाँ पर मेंशन हो रहा है और आधा पार्ट आपके पास यहाँ आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ पर लैंडस्केप है आपका तो यहाँ पर इसको पेट्रिएट कर दें। ठीक है, उसके बाद मोर सेटिंग पर क्लिक करें और यहाँ पर पेपर साइज में आप A4 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो कस्टम है, ठीक है, ये जो कस्टम की साइज लिखी यहाँ पर आप 70, यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, जब डिफॉल्ट होगा ना तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पर स्केल में आकर आप कस्टम पे क्लिक करेंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ आप पर 72 जो है ना वो लिख दें। जब आप 72 लिखेंगे ना तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल एक ही पेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ आप 72 कर दें, इसे कस्टम A4 पेज रखना है आपने, और यहाँ पेट्रोइड, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा लें। अगर आपके पास जो है ना घर में प्रिंटर मौजूद है तो यहाँ प्रिंट कर लें, लेकिन अगर आपके पास प्रिंट नहीं है तो आप ये जो डेस्टिनेशन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव एज PDF, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फिर जो है ना सेव एज PDF के बाद यहाँ पर आपने क्या कर देना, सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे ये आपके डेस्कटॉप के अंदर जो है वो बताएगा कि आपने कहाँ सेव करनी, जो भी लोकेशन है उस पर। जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे रख दिया और यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये क्या कर देगा, वहाँ पे उसे सेव कर देगा। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपका टेस्ट 18 अक्टूबर 2020 को है। ठीक है, आपने रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँचना है और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा कि सिंध MCAT जो है वो सिंध की टेक्स्ट बुक से आएगा, आप अपनी प्रिपरेशन तमाम सिंध की बुक से रखिएगा। अब तक जो है वो पम्स ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि क्या कोई पासिंग क्राइटेरिया है या इस तरीके से कोई भी डिटेल्स नहीं दी हैं। सो जो भी कोई डिटेल्स आएंगी तो वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे या फिर मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।